नगर निगम नहीं नरक निगम बनता जा रहा है और नगर निगम की लापरवाही से रोज तमाम घटनाएं हो रही हैं। इसी के चलते लक्ष्मी नगर में एक एडवर्टाइजिंग का बोर्ड गिर गया जिसके नीचे युवक की दबकर मौत हो गई। मथुरा में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मथुरा के थाना जमुनापार इलाके के चौकी लक्ष्मी नगर क्षेत्र के अंतर्गत एडवर्टाइजिंग पोल अचानक से गिर गया। पोल के नीचे खड़ा युवक पोल के नीचे दब गया। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जरा सी आंधी आने से ही एडवर्टाइजिंग पोल गिरने से लोगों में आक्रोश है। पोल के नीचे दबने वाले युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना मथुरा के थाना जमुनापार इलाके के चौकी लक्ष्मी नगर के पास यमुना ब्रिज की है। टाइम्सलर सिंह मथुरा समाचार 24। आप मेरा नाम सागर शर्मा है। क्या घटना हुई है अभी? यह भी घटना हुई है, लड़का मरा है। जो हादसा हुआ है इस पेनवली के हेड के द्वारा ही है। ये यहाँ लगा हुआ था पोल, पेनवली वालों ने लगाया था ये। अच्छा, अब इस बोर्ड के द्वारा यहाँ पे भी एक घटना हुई है ये। अच्छा, अब इसके जिम्मेदार पेनवली वाले होंगे। अच्छा, हाँ जी, ये उन्होंने बोर्ड लगाया इसकी। इसको कौन जिम्मेदार देगा? पैसा घर जाना देगी हम? मैं तो ये चाहता हूँ पूरा, एक मिनट भैया, उस मजदूर को पूरा ही इतना सुविधा दे, इतनी सुविधा दे, मैं ये चाहता हूँ। इस समय मौजूद है हम जमुना के पुल पर, जो आज पुल गिरा है। जमुना के पुल के पास जो एक व्यक्ति काम करके जो जा रहा अपने घर, तो आंधी के वजह से वो खड़ा हो गया। यहाँ पर खड़े होने के बाद वो जो नगर निगम का जो एड के लिए जो पोल लगा हुआ है, जो पोल आंधी से गिर गया, जो बोल्ट वेल्डिंग से लगे हुए थे बोल्ट टूट गए। हम कुछ चर्चा करते हैं, कुछ हमारे भाई सामने भाई हैं, उनसे बात करते हैं क्या मामला था। क्या नाम है सर आपका? पवन जी। पवन जी, बताइए क्या घटना हुई यहाँ पर? यहाँ पर घटना ये हुई सर, मैं पोल के नीचे बैठा था। अच्छा, कोई एक जेंटलमैन आया तो बोले महाराज जी ये आंधी चल रही है, आप पोल के नीचे हट जाइए। तो हमने उसके संकेत को सुना और हम संकेत को हटने, मतलब हमें सेकंड बन भी नहीं हुआ हटने से, जब तक कुछ लोग दो चार लोग पीछे खड़े थे साइकिल लेके रोड के किनारे अपनी जान बचाने के लिए। रोड ही और हवा में धूल उड़ रही थी, मिट्टी बहुत ज्यादा, तो अपनी जान बचाना चाह रहे थे। तो अपनी जान बचाने के चक्कर में जब पोल गिरा तो उस बच्चे के ऊपर गिरा, एक मजदूर के ऊपर, एक बिलदार था, कोई गरीब आदमी मजदूर था, उस पर पोल गिरा। इतनी सीरियस हालत में हमने उसको भेजा है, हमें नहीं पता वो बचेगा या नहीं बचेगा, ये तो ठाकुर जी जाने। बाकी हालत कैसी बताई जा रही है? सीरियस है, बिल्कुल सीरियस, बचेगा या नहीं बचेगा कोई उम्मीद नहीं है। आपने कहाँ पर रखा था वो? जब हमने उसको टिर्री पे बिठा लाया, टिर्री पे, फिर टिर्री पे बिठाने के बाद हम फिर वापस अपना निकल आए, यहाँ ही खड़े हम, जब से गए नहीं अभी तक हम। अच्छा, साइकिल पे था वो? हाँ, वो साइकिल पे था, मजदूर था, साइकिल पे था। अच्छा, उसकी साइकिल, कोई पुलिसकर्मी आए हैं बाद में, 10 मिनट के बाद आए हैं पुलिसकर्मी में, तो उसकी साइकिल अपनी गाड़ी में लोड करके ले गए। जब पुलिस आई मौके पर? हाँ, मौके पे पुलिस नहीं आई उस टाइम। अच्छा, उस टाइम पुलिस नहीं आई, पुलिस आई है 10 मिनट बाद। अच्छा, 10 मिनट बाद पुलिस आई है। तो हमने बताया कि हमने उस बंदे को टिड्डी में रख के, उसके साथ कोई मित्र था या कोई था, हमने पहचाना नहीं, हम जानते नहीं है, उसका मित्र उसको टिड्डी में हमने रखवा के उसको हॉस्पिटल ले जा, हम भी इसको हॉस्पिटल ले जाओ, क्योंकि किसी की जान बचाना हमारा काम है, फर्ज है। मेरी चर्चा की जो हमने भाई बता रहे हैं, जो एक जो बेलदारी करके आ रहा था, जो काम अपना घर से जा रहा था, जो लगभग कभी जो आंधी की वजह से वो यहाँ पर खड़ा हो गया पुल के सामने, जो उसके नीचे एक पोल था, पोल आंधी की वजह से गिर गया, जो उसकी दुर्घटना गंभीर बताई जा रही है। मथुरा से टाइम्स रिपोर्ट समाचार 24 के लिए।